السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس عنوان سے ہماری یہ سریس چل رہی ہے اور اب تک ہم نے بہت سارے سنے. يا أيها الذين آمنوا کے ذریعے سے بہت سارے خطابات سنے أييك أور خطاب كيترة فهم شلتهم. الله رب العالمين فرماك يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. सुर बकरा की आयत है या यादीन आमनु के जरिए से शुरू हो रही और ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह सियाक के हिसाब से भी हमारे साथ मुरतब है क्योंकि गुज्त एपिसोड में हमने अखीर में इसी टॉपिक पर बात की कि अल्लाह और रबालबी के राह में ख़र्च करना चाहिए अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान अल्लाह के राह में खर्च करने वाले लोग मौजूद हैं और बेतहाशा ख़र्च करते हैं कुछ लोग तो अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह और रबालबीन के राह में वक्फ़ भी कर देते हैं लेकिन ख़र्च करते हुए ख़र्च करने वालों को एक अहम चीज़ से मुतवजह होना ज़रूरी है और उसी चीज़ का जिक्र अल्लाह तआला ने इस आयत में किया है अल्लाह ने फरमायादीन आ मनु ला तुब तिरु सदक़ बिलमी व अदा अय वो लोगों जो ईमान ले करके आए ला तुब तिरु सदक बिलमन व अदा एहसान जतला करके और जिसके ऊपर तुमने सदका किया है उसको तकलीफ पहुंचा करके अपने सदक़ात और अपने खर्च किए हुए अमाल को ज़ाये मत करो अपने सदक़ात को बातिल मत करो कैसे दो तरीक़ों से पहला तरीका अलमन मन अम्नु का माना होता है एहसान जतलाना आपने किसी के ऊपर खर्च किया और उसके बाद आप उससे कहने लगे कि मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किया तुम्हें ये करना चाहिए तुम्हें वो करना चाहिए आप इस तरह की बात उसके सामने बोलने लगे कभी भी कोई भी मौका आया खलबत में हो या जलवत में हो आपने उस सदक़े का जिक्र किया कि मैंने आपके ऊपर ये सदक़ा किया मेरा आपके ऊपर एहसान है मैंने आपके ऊपर ये खर्च किया है अल्लाह इस चीज से मना किया है अब ज़रियाल्ला तु की रिवायत है सही मुस्लिम हदीस मौजूद है फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्ला के रसूल सल्हस ने फरमायाल्मा अजाबन तीन कस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह व तआला क़यामत के दिन नजर रहमत भी नहीं करेगा ला अल्लाह अल्ला उनसे बात भी नहीं करेगा वला वायलिम उनको देखेगा भी नहीं वला और उनको उनके गुनाहों से पाक और साफ भी नहीं करेगा वलहुम अज़ाबुन अलीम बल्कि ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा यह जुमला इरशाद फरमाया जब तीन मरतबा आपने तकरार के साथ इस बात को कहा तो कहा, खाबू मन रसूल ल्ला। ल्ला के रसूल, बर्बाद हों हलाक हों लोग कौन है ऐसे लोग आपने जिनके बारे में ये बात कही है तो नबी सलम ने उन तीन लोगों का तस्करा किया आपने फरमायालमुसबिल सबसे पहला वो शख्स जो अपने पैंट को अपने कपड़ों को टखने से नीचे करके चलता है अलमुसबिल जो टखने से नीचे कपड़ा पहनने वाला है मर्दों में से वो ऐसा शख्स है कि अल्लाह सुबहाना मतलब उससे बात भी नहीं करेगा उसकी तरफ नज़र रहमत भी नहीं करेगा उसको गुनाहों से पाक व साफ़ भी नहीं करेगा बल्कि उसके लिए दर्दनाक आज़ाब है दूसरा कौन सा शख्स है अलमन्नान वो शख़्स जो एहसान जतला देता है नेकी करता है खर्च करता है फिर उसके बाद दूसरों के सामने उसको जिक्र कर देता है उसके सामने जिसके ऊपर उसने खर्च किया है या उन लोगों के सामने जिसके ऊपर खर्च नहीं किया है फिर भी उनके सामने एहसान के तौर पर कि मैंने ये एहसान किया मैंने ये काम किया मैंने ये नेकी की, की दूसरों के सामने आकर के बयान कर देता है अलमन्नान तीसरा वो शख्स है अलमुनफ़ुस बिलहालफिल्क जो अपने सामान को झूठी कसम के ज़रिए से फ़रग़ देता है जो अपने सामान को झूठी कसम इस्तेमाल करके मार्केट में बेचने की कोशिश करता है या जो अपने सामान को झूठी कसम के जरिए से मार्केट से उठाने की कोशिश करता है ख़रीदने की कोशिश करता है यानी माल में या माल को बेचने या ख़रीदने में अगर कोई शख्स झूठी कसम का इस्तेमाल करता है तो वो भी उन तीन लोगों में से हैं जिनसे अल्लाह सुबहाना ना तो बात करेगा और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत करेगा और ना ही उनका तजकिया करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक आदाम है तो आप देखें अगर कोई शख्स ख़र्च करता है और ख़र्च करके एहसान जतलाता है तो फिर उसके खर्च का फ़ायदा क्या है बल्कि उसका ख़र्च उसके लिए वो बन जा रहा है कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान के लिए उसकी नेकियां उसके लिए व बाल बन जाते ख़र्च उसने किया खर्च करने के बाद एक गुनाह किया एहसान जतलाने का अब उसकी ये खर्च की हुई जो नेकी है ये उसके लिए वाल जान बन गई तो लिहाजा हम अपने अमाल की हिफाजत करें जो अमल हमने किया है हम अल्लाह सुबह व तआला को उसके जरिए से राजी करने की कोशिश करें और उन अमाल की हिफाजत यही है कि हम उन अमाल के सिलसिले में ऐसा रवैया इख्तियार करें कि अल्लाह रबिला उन अमाल को कबूल करे और ऐसा कुछ भी ना करें ऐसे कोई हरकत ना करें कि अल्लाह सुबहान व उन अमाल को रद्द कर दें या उन अमाल की वजह से हमारे ऊपर अल्लाह की नाराजगी हो तो लिहाजा अल्लाह ने फरमा तो बोदकत ही कुम्बिलमन एहसान जतना करके अपने सदक़त को बर्बाद मत करो एक और चीज़ है अल्लाह ने फरमाया वल अदा और तकलीफ़ दे करके अपने सदक़ात को बर्बाद मत करो बहुत सारे लोग जब ख़र्च करते हैं तो जिन लोगों के ऊपर उन्होंने खर्च किया है उनको तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं चाहे जहनी तौर पर चाहे जिस्मानी तौर पर चाहे माल के अतबार से चाहे किसी तौर पर उनको तकलीफ़ देते रहते हैं भरी महफ़िल में उनकी इंसल्ट करते रहते हैं उनकी इज्जत के बारे में बातचीत करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने खर्च किया वो उनके नौकर बन करके रहें वो उनके खादिम बन करके रहें उनकी खिदमत करें वो ये चाहते हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने खर्च किया है जो राय वो रखते हैं वो राय वो रखें जिस तरफ वो जाते हैं उस तरफ वो जाएं जिस शख्स के बारे में जो वो कहते हैं वो भी उस शख्स के बारे में वही कहें ये सारी चीज़ें वो लोग एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं अल्लाह व तआला ने फरमाया अगर ऐसी हरकत करना है तो फिर आपके सदक़ात का कोई भी फ़ायदा नहीं है आपके सदक़ात बर्बाद हो जाएंगे आपका खर्च किया हुआ माल उसी वक्त महफूज़ होगा ना तो आप एहसान जतलाएँगे और जब ना तो आप किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँगे यानी इंसान खर्च करे ख़र्च करने के बाद भूल जाए कि मैंने खर्च किया किस शख्स के ऊपर ख़र्च किया बल्कि होना तो ये चाहिए कि आपने अगर किसी के ऊपर खर्च किया है तो उसको ज़्यादा अहमियत दें उसको ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें क्यों ताकि ऐसा जाहिर ना हो जाए कि आपने उनके ऊपर ख़र्च किया है तो अपने आप को आप उन लोगों से बरतर समझने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे आप अपने आप को बड़ा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं ये एहसास आपके अंदर पैदा ना होने पाए उन लोगों के साथ आपका और ज़्यादा तोज़ुँ का मामला होना चाहिए और आज इसी का मामला होना चाहिए मुसाबिन साद रही फरमाते हैं कि उनके वालद सादबिन नबी वक्न ने एक मरतबा अल्ला के रसूल सल्ला सल वसम की मजलिस में बैठे बैठे बातों बातों में ऐसी बात को ही कही कि जिससे एहसास हुआ या जिससे ये जाहिर हो रहा था कि वो अपने आप को बहुत सारे लोगों से फ़ोखर समझते हैं बहुत सारे लोगों से बरतर समझते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और आपने फरमाया वहल व तनसरून अबतकून अफ़ाईक इस बात को कभी भी नहीं भूलना कि तुम्हारी जो मदद हो रही है तुम्हें जो रिस्क दिया जा रहा है वो तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से ही दिया जा रहा है तो लिहाजा जो कमज़ोर लोग हैं गरीब तबका है उसके साथ हमारा मामला और नरमी का होना चाहिए और उनके साथ तबादो और आजि के साथ पेश आना चाहिए खास तौर पर वो लोग जिनके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर एहसान जतलाने वाला मामला हो जाए या कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जानिब से उनको कोई तकलीफ हो जाए और हमारा ख़र्च किया हुआ माल अल्लाह रब्लिन के यहाँ बर्बाद हो जाए तो अल्लाह ने फरमाया तो रदकत कम बिलमन वाजा एहसान जतला करके और तकलीफ़ पहुँचा करके अपने सदक़ात को बर्बाद मत करो उसके बाद अल्लाह सब तहत में मिसाल भी बयान फरमाई किस तरह से ينفق ماله कल्दी ولا लहूरी आन्नास वाहौमिल आखिर ठीक उसी तरह से कि जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है वलायुबमिनयिल आखिर और वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता यानी उसको अल्लाह की ऱा नहीं चाहिए कयामत के दिन उसको जन्नत नहीं चाहिए उसका ईमान ही इन चीज़ों पर नहीं है लिहाजा वो जो भी अल्लाह के रहा में खर्च करता है रे आन्नास लोगों को दिखाने के लिए अब अगर कोई शख्स महज़ लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह रबालमी के राह में खर्च करें तो क्या उसका अमल मकबूल होगा उसका ये ख़र्च अल्लाह के यहाँ कबूल होगा हरगिज़ नहीं ठीक उसी तरह से अगर कोई शख्स खर्च करके एहसान जतला देता है तो उसका अमल मकबूल नहीं है खर्च किए हुए शख़्स को तकलीफ़ दे देता है फिर भी उसका यह अमल मकबूल नहीं है उसका यह अमल बातिल हो जाता है जिस तरह से रियाकार का अमल बातिल उसी तरह से इन लोगों का भी अमल बातिल हो जाते हैं और यहाँ पर आप देखें अल्लाह अल्लाबी ने जो मिसाल दी रिया से मिसाल दी कल कल्लू फिकाल रिया कि जो शख्स अपने माल को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है यहाँ पर हमें यह पता चला कि रियाकारी जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है बल्कि रियाकारी तो एहसान जतलाने और तकलीफ़ देने से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि रियाकारी कारी ये हर इबादत के साथ जुड़ी हुई है इंसान नमाज भी पढ़ता है उसमें भी रियाकारी कर सकता है कर्न करीम की तिलावत कर रहा है उसमें भी रियाकारी हो सकती है हज कर रहा है उसमें भी रियाकारी हो सकती है उम्रे कर रहा है उसमें भी रियाकारी हो सकती है तो रियाकारी एक ख़रनाक जुर्म है और एक ख़तरनाक मनहज है और एक खतरनाक रास्ता है तो हम सब को उस रास्ते से दूर होना चाहिए किसी भी तरह से हम ऐसे लोगों के मुशाबे ना हो जाएँ जो लोग रिकारी करते हैं और यहाँ एक और अहम चीज़ है अल्लाह सुबह ने रियाकार का तस्करा किया और मालों को दिखाने के लिए खर्च करने का तस्करा किया उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया आखिर कि ये लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते माना यह हुआ कि रियाकारी जो है वो ईमानी कमजोरी का नतीजा है जब इंसान का ईमान कमज़ोर होता है तब उसके यहाँ रियाकारी के जज्बात पैदा होते हैं आप अपने नफ्स का मुहासबा करें अगर आपके नफ्स में कभी भी इस बात का एहसास पैदा हो रहा है कि लोग मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखें अगर कभी भी इस बात का एहसास पैदा हो रहा है कि लोग मुझे तिलावत करते हुए देखें अजकार पढ़ते हुए देखें तहज्जुद पढ़ते हुए देखें इशराक की नमाज़ पढ़ते हुए देखें तो इसका मतलब कि आपको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए आपका ईमान कमज़ोर हो रहा है क्योंकि आपका ईमान लोगों की तरफ है अल्लाह सुबहान तरफ नहीं है अल्लाह के रजा की तरफ़ नहीं इसीलिए अल्लाह ने फ़रमाया कि वाला आखिर कि जो शख्स रियाकारी के लिए अपने माल को ख़र्च करता है वो अल्लाहान तैाल और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता है उसके बाद अल्ला रबी ने इसको और एक आसान और बेहतरीन मिसाल से समझाया अल्लाह ने फ़रमाया फ़मसमलीफ़ान तराबुल लिहाजा जो शख्स ख़र्च करता है और ख़र्च करके एहसान जतला देता है या ख़र्च करके तकलीफ़ पहुंचाता है उस शख्स को जिसके ऊपर उसने ख़र्च किया या रियाकारी के तौर पर माल खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है इन तमाम लोगों की मिसाल कैसी है फमसलहू कम सफवान इन तमाम लोगों की मिसाल उस चिकने पत्थर की तरह से है अडई ही तराब जिस चिकने पत्थर के ऊपर मिट्टी रख दी गई कोई बिल्कुल चिकना पत्थर हो जो पानी को जज्ब ना करता हो उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दें अल्लाह ने फरमाया ही उसके ऊपर अगर मिट्टी रखी हुई है और फिर तेज़ बारिश उसके ऊपर आकर के लगी जब तेज़ बारिश आएगी तो उस मिट्टी का क्या हाल होगा उस मिट्टी को बिल्कुल ख़त्म कर देगी अल्लाह ने फरमाया फासा बहु वाह बिर फतरा कहू सलदा उसको और चिकना बना करके चली जाती मिट्टी का एक ज़र्रा भी उस चिकने पत्थर के ऊपर नजर नहीं आता तो इसी तरह से अल्लाह ने मिसाल बयान ouais किया कि अगर कोई शख्स माल खर्च करता है और माल खर्च करने के बाद एहसान जतला देता है या तकलीफ़ देता है या रियाकारी के तौर तो पर अपने माल को ख़र्च करता है तो उसके ख़र्च किए हुए माल की मिसाल ऐसी ही है जैसे वो मिट्टी यानी जैसे वो मिट्टी साफ़ हो गई उसका कोई जिक्र नहीं है उसका कोई शुमार नहीं है उसी तरह से आपके ख़र्च किए हुए माल का भी अल्लाह सुबहाना ताल के यहाँ कोई जिक्र नहीं होगा कोई शुमार नहीं होगा क्योंकि एक बारिश ने आकर के उसको तबाह कर दिया और वो बारिश क्या है आपका एहसान जतलाना वो बारिश क्या है आपका तकलीफ पहुँचाना बारिश क्या है आपका रियाकारी लिहाजा तो इस तरह से अपने खर्च किए हुए सदक को बातिल होने और बर्बाद होने से बचाए अल्लाह रबालल ने फरमायाकदर आलाश इमा का सबू ये लोग इस तरह के लोग जो भी रियाकारी के तौर पर खर्च करते हैं एहसान जतलाते हैं जब कल क्यामत के दिन जाएंगे तो इन लोगों ने जो भी ख़र्च किया होगा जो भी काम किया होगा जो कमाया होगा वो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखेंगे यानी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होगी अल्लाह ने जैसे काफिरों के अमाल के बारे में क्या फरमाया वदीम न इलाम अमी उम ना अमल फ़ज अल्ला हबः अमसरा कल क़यामत के दिन हम काफ़िरों के अमल को ज़र्रा बना करके उड़ा देंगे उनके अमल की कोई हैसियत नहीं रहेगी उसी तरह से इस शख्स के खर्च किए हुए माल की कोई हैसियत नहीं है अला सुबह त के पास अल्लाह दिलको मलकाफ़रीन और अल्लाहबाबिन ऐसे काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता यहाँ पर अल्लाह ने सफ़रीन का लफ्ज इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि अगर कोई शख्स इस तरह से खर्च करता है तो उसके यहाँ एक किस्म का कुफ़्र पाया जा रहा है वो कुफ़्र से और काफ़िरों से एक तरह से करीब हो रहा है लिहाजा ख़र्च करना है लेकिन ख़र्च किए हुए माल की या ख़र्च किए हुए सदक़त की हिफाजत करना भी हमारे लिए ज़रूरी है और उसकी हिफाजत इसी तौर पर मुमकिन है कि आपने ख़र्च किया आप ख़र्च करके भूल जाएँ अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम ने सात किस्म के लोगों को जिनको अर्श के सय में जगह मिलने की बात कही है उनमें से एक वो शख्स भी है आपने फ़रमाया कि वुरुन तसद बी सदक़ा एक वो आदमी है जो सदक़ा करता है फ अख़ाह और उसको इतना छुपा करके सदक़ा करता है हत्ता हती मशीमाल मातुन फिकमीन हूँ कि उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता कि उसके दाहने हाथ ने अल्लाह के राह में क्या ख़र्च किया तो इस खामोशी से आप खर्च करें आपके खर्च का ऐलान हो आपके खर्च का शहरा हो ये चीज़ मुनासिब नहीं है ये चीज़ें आपके अमल को बर्बाद कर देंगी ख़ासतौर पर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखें कि सोशल मीडिया का ज़माना है लोग पाँच रुपये खर्च करते हैं दस रुपये खर्च करते हैं एक तस्वीर लेते हैं और तस्वीर ले करके उसको अपनी सोशल साइट्स पर लगा देते हैं आपका यह तस्वीर लगाना क्या एहसान जतलाने के मुतरफ़ नहीं है क्या आप एहसान जतला रहे क्योंकि सोशल मीडिया पर सोशल साइट्स पर वो इंसान भी है जिसके ऊपर आपने खर्च किया है आप उसकी तस्वीर लगा रहे नहीं भी लगा रहे फिर भी आप एक तरह से आप जाहिर कर रहे हैं कि मैंने इतना ख़र्च किया है क्या कि उसको तकलीफ नहीं होगी तो इस तरह के अमाल से अपने आप को बचाना चाहिए सोशल मीडिया ये नहमत भी है रहमत भी है और दूसरी तरफ हमारे लिए जहमत भी है तो इस नमत से जिस तरह से फ़ायदा उठाना हमारे लिए मुमकिन है और जो चीज़ हमारे लिए मुनासिब है हम उसी तरह से उससे फ़ायदा उठाएँ सोशल मीडिया हमारे अमाल को बर्बाद करने वाला ना बने सोशल मीडिया हमारे अमाल को ज़ाय करने वाला ना बने जिस तरह से एहसान जतलाना ज़ुबान से होता है उसी तरह से एहसान जतलाना लाइक और शेयर और पोस्ट करके भी होता है आप इस तरह से भी अपने अमाल की हिफाज़त करें तो लिहाजा या लदीन आमनु कह करके अल्लाह ताल ने हमें तमबी की कि अगर हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो उस खर्च की हिफाजत करने की कोशिश करें इसके बाद हम अगले खिताब की तरफ बढ़ेंगे الله سبحانه وتعالى نے بقراك آية کی ایت نمبر 278 سے 280 میں اللہ نے فرمایا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره की एक और आयत इसी मफहूम की है उसको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे एक सौ तेरह है दोनों आयतों में सुबह ईमान को सूद से बचे रहने का हुक्म दिया है चुनान श्ला ने फरमाया सर बकरा में आयत नंबर दो सौ अठत्तर से दो सौ अस्सी में यादीन ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो वजरू मा बकिया मिनर रीबा इनकुन तुम मिनीन और अगर तुम मोमिन हो अगर तुम्हारा दावा है कि तुम ईमान वाले हो तो जितना सूद का हिस्सा बाकी रह गया है उसको छोड़ दो जमान्य जाहिलियत में सूदी मामलात किया करते थे सहाब कराम रजव तारजमयी जो मुसलमान हुए थे वो भी पहले सूदी मामला किया करते थे अल्लाह सुबहानो तारा ने आयत नासिल की और कहा कि अब तक जो तुम सूदी मामला करते थे वज़र उम बक़ यह मिनर रिबा वो पूरा सूदी मामला ख़त्म करो उस पूरे सूदी मामले को छोड़ दो और अल्लाह रबालबीन ने यहाँ पर हमारे ईमान का वास्ता जिक्र किया कहा इनकुन तुमीन अगर तुम हकी मानों में मुमिन हो तो सूद से अपने आप को बचा लो सूदी मामला छोड़ दो उसके बाद अल्लाह ने फरमाएफ़ आलु फिर भी अगर तुमने ऐसा नहीं किया बिहरब मिन अल्लाह व रसूल तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ व इन तुब तुम लेकिन अगर तुम तोबा तुम तुम कर लेते हो फलकुम उमर उम्मिक तो तुम्हारा जो रसुल मान है जो तुम्हारा असल माल है जो तुमने पहले दिया है किसी को वो तुम ले सकते हो जो तुम्हारा प्रिंसिपल है यानी किसी को हमने पैसे दिए सूद पर अब हमें सूद की हुरमत के बारे में पता चला तो जितना पैसा हमने उसको दिया है हम उसको वापस ले सकते हैं लेकिन उस पैसे पर बढ़ करके सूद का जो पैसा आने वाला था उसको छोड़ने का हुक्म दिया गया अल्लाह ने फरमाया इन अगर तुमने तोबा कर लिया तो तुम्हारे लिए तुम्हारा रसलमान है तुम्हारा प्रिंसिपल है ला व ला लात ना तुम किसी के ऊपर जुल्म करो और ना तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए तुम किसी के ऊपर जुल्म ना करो सूद लेकर के ने उन लोगों को कहा कि जो सूदी मामला था उसको छोड़ दो और जो सूद पे जो तुमने पैसे दे रखे थे अब उसको वापस मत लो उसके बाद अल्लाह रबीन ने साथ में एक हुक्म यह भी दिया वो इनका नजोरा फन इलाम इसरा अब जिन लोगों ने आपसे मान लिया है सूद पर उनमें से सब इस बात की ताकत नहीं रखते कि वो आपका रसूल माल वापस लौटा दें इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो तंग दस्त हैं इला मैसरा तो तुम उनको मोहलत दे दो आसानी तक यानी जब तक उनके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते तुम्हें अदा करने के लिए तुम्हें देने के लिए फ़नरतन तुम उन्हें मोहलत दे दो व अन तसदकू खुम इनकुन तुम तमू लेकिन अगर तुम उनके ऊपर सदका करो और माफ़ कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो अल्लाह अल्ला ने इस आयत में सूद से मना किया और जितना सूदी मामला हो गया है तो उसके बाद हमें सूदी मामला को छोड़ देने का हुक्म दिया दूसरी जो आयत मैंने पढ़ी थी इमरान की उसका तर्जुमा क्या है अल्लाह ने फरमाया अल्लायादी आ मनु ऐ वो लोगों जो ईमान ले करके आए ला तरबाफ़ मुबाफ़ा सूद को बढ़ा चढ़ा करके मत खाओ वक़ाल तफलि और तुम अल्लाह अल्लाहबूलबीन से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ दोनों आयतों में हम देखें अल्लाह सुबह ने अहले ईमान को खसूस तौर पर हराम आमदनी का एक जरिया यानी सूद इससे मना किया और इन दोनों से मना करने के लिए अल्लाह सुबह ने दोनों जगह पर सुर बकर की आयत में भी और सूर्य आल इमरान की आयत में भी अल्लाह और बलबी तकवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सुर बकरा ने पहले कहा याद आन वकीय और सूर्य इमरान ने बाद में कहा अल्लाह से डरो अल्लाह का इख्तियार करो दोनों जगहों पर अल्लाह के तकवा इख्तियार करने की जो बात जिक्र की गई है उसकी बड़ी वजह यही है कि जब तक बंदे के अंदर तकवा नहीं होगा वो सूद से बच नहीं सकता अगर अल्लाह सुबहान तआला का खौफ नहीं है अल्लाह का डर नहीं है शरीयत इस्लामिया से मोहब्बत नहीं है इस्लाम पर चलने का जज्बा नहीं है कौन सूद से बचेगा आज हमारे यहाँ जो सूदी मामला ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं उसकी बड़ी वजह दीन से दूरी है लोगों को दीन की इज्जत ही नहीं लोग दीन पर चलना ही नहीं चाहते लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ही नहीं करते उनके यहाँ तकवा नहीं है उनके यहाँ अल्लाह रबाबीन का खौफ ही नहीं है इस वजह से हम सूदी मामलात देखते हैं तकवा एक ऐसी चीज़ है कि जब तक ये चीज़ आपके अंदर नहीं होगी आप कोई भी आप नेक काम नहीं कर सकते और तकवा एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये आपके अंदर ना हो तो आप किसी गुनाह से बच भी नहीं सकते इस वजह से अल्लाह ने सूद के गुनाह से बचने के लिए हमें पहले तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया कि पहले अपने दिल को समझाओ कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है जब तुम्हारा दिल ये समझ जाएगा तो तुम्हारे लिए सूद को छोड़ना आसान हो जाएगा अल्लाह सुबहाना व तआला ने इन दोनों आयतों में सूदी मामला को छोड़ने का हुक्म दिया अफसोस की बात है कि कुरान करीम में इतनी सराहत के बावजूद भी हम अपने माशरे में देखते हैं कि हमारे माशरे में सूद बहुत ज़्यादा आम है हर शख्स सूद ले रहा है हर शख्स सूद दे रहा है और हमारे यहाँ बैंकों का सूद भी बहुत ज़्यादा आम हो चुका है लोग बैंकों में जो सूद आ रहा है बहुत सारे लोग हीला बहाने करके उसको जायज़ करके इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक चीज़ें पूरे माशरे को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तन की एक रिवायत है क्या फरमाते हैं कि अल्लाह है के रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया माज़ाहरफी कौमिन वीनाबिनफ़ाबल्ल अजल जब किसी भी कौम में जब किसी भी माशरे में जेना और सूद ये चीज़ आम हो जाती है तो उस माशरे वाले अपने ऊपर अल्ला सुबहान तला के अजाब को हलाल कर लेते हैं यानी अल्लाह रबलाबीन का आजाब ऐसे लोगों के ऊपर आता है आज आप देखिए किस्म किस्म के अजाब हैं कहीं बाढ़ की शक्ल में अजाब हैं कहीं जलजलों की शक्ल में अजाब हैं कहीं गलों की पैदावार में कमी करके अजब है कहीं भुखमरी के ज़रिए से अजाब है कहीं एक्सीडेंट और हवाली के ज़रिए से अजब है अजब की मुख्त शक्लें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं वजह क्या है कि हमारी कौम में ज़िना आम हो चुका है हमारे कौम में सूद आम हो चुका है सूद एक लानत है अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने फ़रमाया कि लन रसोल सल्ह वसल आक रीबा वमूकिलहवा कि अल्लाह रब्लिन की लात होती है सूद खाने वाले पर सूद खिलाने वाले पर सूद लिखने वाले पर सूद के ऊपर गवाह बनने वाले पर वकाल सवा और आप सलाम ने फरमाया कि सब के सब बराबर हैं ऐसा नहीं है कि गुनाह को आपस में इन लोगों के दरमियान बांट दिया जाएगा यानी मिसाल के तौर तो पर अगर सौ गुनाह है तो दस इसको दस इसको दस इसको ऐसा नहीं होगा बल्कि सब को अला सुबह बराबर गुनाह में शरीक करे तो ये लानत है और लानत का माना क्या होता है अल्लाह रबी के रहमत से दूरी जितने भी लोग सूदी मामलात करेंगे सूदी मामलात में उलझेंगे वो अल्लाह और रब्लाबी के रहमत से दूर होंगे वो मलरून लोग होंगे हमारा माशरा पूरा मलरून नजर आता है हर तरह की लानत और हर तरह के खैर से महरूमी ये हमारे माशरे का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है अलामत बन चुकी है लिहाजा हमें चाहिए कि हम सूद से अपने आप को दूर रखें अब्दुल्ला बिन अब रदी अल्लाह तुम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सूदी मामला करता है तो हाकिम वक्त के ऊपर ज़रूरी है कि वो उससे तोबा कराए अगर कोई शख्स तोबा नहीं करता फिर भी वो सूदी मामला करने की कोशिश करता है और इस्लामी कानून चल रहा है तो ऐसे वक्त में उसको कत्ल भी किया जा सकता है क्योंकि वो सूदी मामला कर रहा है अल्लाह और उसके रसूल से वो जंग करने की कोशिश कर रहा है जैसा कि अल्लाह ने फरमाया फिल्लम तफा फ़न बरब मसूल कि अगर तुमने सूदी मामला नहीं छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल से तुम्हारा ऐलान जंग है तो अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम्हारा ने फरमाया कि ऐसे लोगों से तोबा कराई जाएगी अगर ये तबा कर लेते हैं तो ठीक है अगर ये तोबा नहीं करते हैं तो फिर इनको हाकिम वक्त कत्ल भी कर सकता है मोहतरम नाजरीन हम ये देखते हैं कि सूद की वजह से बहुत सारे फसाद बहुत सारी लड़ाइयाँ और बहुत सारे मामलों हमारे ख़राब होते चले जा रहे हैं अल्लाह रबी ने कुरान करीम में जब सराहत के साथ मना कर दिया है तो हमें उससे बाज रहने की कोशिश करनी चाहिए और या यादी आमनू कह कर के अल्लाहन व तौह ने खिताब किया जिस खिताब में अपनाइत है जिस खिताब में एक मोहब्बत है जिस खिताब में अल्लान मत आपको अपने करीब करने की कोशिश कर रहा है लिहाजा सूदी मामला से बचें हर तरह की जो ज़रिए आमदनी है अगर वो हराम है तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें मैं अल्लाह सुबहाना से दुआ करता हूँ कि आलमीन तो हमें सूद से और उसके अलावा तमाम बुरे अहमाल से महफूज़ फरमा इलाहालबी जो हम ख़र्च करें जो हम इबादत करें उन तमाम अहमाल के हफाजत करने की तोफ़ी अदा फरमा आमीन व आखरदाना अलहमदिल्लाबालमी वालेकुम रहा ही ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें